अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम फ़ोन एटिकेट्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हम फ़ोन एटिकेट्स में टेलीफोन डोंट्स समझते हैं। आई एम वोकेशनल ट्रेनर सईद बहजत यूसुफ फ्रॉम गारमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खाक बड़गाम फ्रॉम द ट्रेड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ टेलीफोन डोंट्स। कौन सी चीज़ें हमें, कौन से स्टेप्स हमें नहीं फॉलो करने हैं जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। नंबर वन, इफ़ अ पर्सन इज़ आंसरिंग द टेलीफोन ही और शी शुड नेवर आंसर ऑन द फर्स्ट रिंग। पहली रिंग पे कभी भी फ़ोन अटेंड नहीं करना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा कॉल सेकेंड और थर्ड रिंग पे अटेंड करनी चाहिए। डू नॉट आंसर द फोन वेन ईटिंग च्यूइंग और ड्रिंकिंग। अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं या कुछ पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे, उस टाइम पे कॉल कभी भी अटेंड नहीं करनी चाहिए। या तो वो निगल लो या तो अपने मुंह से बाहर निकालो बिफोर पिकिंग अप द कॉल। इफ़ यू मस्ट लीव द फोन नेवर लीव द लाइन ओपन। इंस्टेड प्लेस द पर्सन ऑन होल्ड एंड चेक बैक विद हिम ऑन हर फ्रीक्वेंटली। प्रेफरेबली एवरी 45 सेकेंड्स के बाद चेक करना चाहिए। नेवर से द वर्ड्स आई डोंट नो। जब आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं या किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि दैट यू डोंट नो। हमेशा आपको क्या बोलना है, आई विल चेक ऑन दैट फॉर यू। When talking to a client or a customer, never say anything that can be taken as rudeness. जब भी आप कस्टमर के साथ बात करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं, कभी भी आप उस तरीके में या ऐसे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनको क्या समझा जाएगा कि आप रूडली बिहेव कर रहे हैं। The person who answered the phone should always talk to the caller in the way that he or she would like someone to speak to them. हमेशा उस तरीके से, उस लहजे में बात करनी है कि दोबारा जब ये कस्टमर कॉल करे कि वो प्रेफर करे वो आपसे ही बात करे। It is never acceptable to argue with a caller. कॉलर के साथ आपको कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। Do not transfer a call without informing the person on the phone and asking permission to do so. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा, जब भी आप कॉल ट्रांसफ़र करेंगे, भले किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या हायर अथॉरिटीज़ में कॉल ट्रांसफ़र करेंगे, हमेशा आपको पहले इन्फॉर्म करना है कि आपकी कॉल जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है और आपको परमिशन लेना है। When ending a phone call, do not hang up the phone without a positive closure. जब भी आप कॉल ख़त्म करेंगे आपको हमेशा पॉजिटिव नोट पे कॉल एंड करनी चाहिए, लाइक थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ऐसा नहीं है कि जो भी कस्टमर की क्योरी है आपने उनका सोल्यूशन दे दिया और आप कॉल ड्रॉप करेंगे, नहीं, हमेशा कॉल एंड करनी है ऑन पॉजिटिव क्लोजर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आपको नहीं करना है जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हमने टेलीफोन डू समझा, आज के लेक्चर में हमने टेलीफोन डोंट समझा। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।